सब्सक्राइब कीजिए रेखा अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज की वीडियो में मैं आपको स्वीट कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी। ये स्वीट कॉर्न सूप हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें हम एक चम्मच मक्खन डाल देंगे। ये मैंने बारीक सब्जियां काट ली हैं, गाजर है, फूल गोभी है और ये फ्रांस बीन है। तो ये मैंने 3 चम्मच ली हैं गाजर, 3 चम्मच गोभी है, फूल गोभी, और ये आधा कटोरी मैंने फ्रांस बीन ले ली हैं। फ्रांस बीन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली हैं क्योंकि ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होती हैं। बटर में हम इनको डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। सब्जियों को ढककर पका लेते हैं। टोटल हम 1 कटोरी कॉर्न ले लेंगे, आधी कॉर्न्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और आधी कॉर्न्स को हम ऊपर से साबुत ही डाल लेंगे। इससे हमारे 3 प्लेट स्वीट कॉर्न सूप बनेंगे, तो इनको ग्राइंड कर लेते हैं। सब्जियों को 5 मिनट तक सेक लिया है। ये कॉर्न्स का मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल देंगे और ये बची हुई कॉर्न्स भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। रेस्टोरेंट के सूप में कॉर्न स्टार्च भी होता है, इसको थिक करने के लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च को पानी में घोल लिया है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो इसे डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च की जगह आरारोट भी डाल सकते हैं। 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे और इसमें हम ग्रीन प्याज भी डाल सकते हैं, आपको पसंद हो तो वो डाल सकते हैं आप। अब इसको 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। अगर आपको ये जल्दी पकाना है तो इसको कुकर में 2 सीटी लगवा सकते हैं। 10 मिनट सूप को पका लिया है और ये गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें 1/4 टीस्पून शुगर की डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे सूप हमारा स्वीट एंड साल्टेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शनल है। 1 मिनट और पका लेंगे चीनी डालने के बाद। सूप हमारा बन गया है, अब गैस को बंद कर देते हैं और सूप को सर्व करते हैं। सर्दियों में सूप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है और ये कॉर्न सूप तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न सूप बनकर तैयार हो गया है और आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना।